Hello, good morning kids. Today in English we will study about please. And lesson number 59, page number 108. Read out the sentences. बच्चों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूँ about please. Please का मीनिंग होता है कृपया, ठीक है? जब भी हम अपने से बड़ों से या किसी से बातें करते हैं तो हम लोग अक्सर प्लीज का यूज करते हैं, प्लीज का यूज करते हैं और उनसे कुछ जैसे कोई चीज मांगते हैं तो प्लीज गिव मी, मुझे दे दें. तो प्लीज बोलना एक अच्छी आदत होती है और प्लीज का मतलब होता है कृपया. और ये हमारे कन्वर्सेशन में बहुत बार यूज होता है कि प्लीज क्या है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज रीमा, सी वॉन्ट्स अ पेंसिल. दिस इज रीमा, सी वॉन्ट्स अ पेंसिल. या रीमा है और ये एक पेंसिल चाहती है, मतलब उसे एक पेंसिल की जरूरत है. क्या है? दिस इज रीमा. या जो आप पिक्चर देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ टू ऑब्जेक्ट है, एक गर्ल है एक बॉय है. जो गर्ल है रीमा, उसको क्या चाहिए? एक पेंसिल. और रीमा कैसे, रीमा मांगती है, प्लीज गिव मी अ पेंसिल. प्लीज गिव मी अ पेंसिल, यानी कि कृपया मुझे पेंसिल दो. ओके, दिस इज रीमा, सी वॉन्ट्स अ पेंसिल, प्लीज गिव मी अ पेंसिल. ओके, यस हेयर इट इज, यस हेयर इट इज. या ओके, यस हाँ यही है. थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया. जैसे आप कुछ भी मांग सकते हैं, आपकी बुक है तो आप किसी से अगर मांगना है तो प्लीज गिव मी बुक, प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर. अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो हम प्लीज का यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर सेंटेंस हमें लगता है. और प्लीज का हमेशा यूज करना चाहिए, ठीक है, जब हम किसी से कुछ उसकी चीजें मांग रहे हों. ठीक है, नेक्स्ट है, दे आर नीता एंड रानो. दे आर नीता एंड रानो. रानो वॉन्ट्स अ फ्लावर. क्या है? दे आर नीता एंड रानो. रानो वॉन्ट्स अ फ्लावर. ये जो है वो नीता है और रानो है, और रानो क्या मांग रही है? फ्लावर. रानो क्या मांग रही है? फ्लावर. प्लीज गिव मी अ फ्लावर. प्लीज गिव मी अ फ्लावर. कृपया मुझे एक फूल दो. श्योर हेयर इट इज. श्योर हेयर इट इज. यहाँ पे प्लीज देखिए, जब भी हम किसी से कुछ उसका मांगते हैं तो क्या यूज करते हैं? प्लीज. और प्लीज का मतलब होता है कृपया. और आपको प्लीज की स्पेलिंग भी आना चाहिए, पी एल ई ए एस ई, प्लीज. ओके, वंस अगेन आई विल रिपीट दिस दीज सेंटेंसेस. दिस इज रीमा. दिस इज रीमा. सी वॉन्ट्स अ पेंसिल. सी वॉन्ट्स अ पेंसिल. यह रीमा है और वो क्या चाहती है? वो एक पेंसिल को, पेंसिल चाहती है. ठीक है, प्लीज गिव मी अ पेंसिल. प्लीज गिव मी अ पेंसिल. प्लीज गिव मी अ पेंसिल. यस हेयर इट इज. यस हेयर इट इज. थैंक्स. थैंक्स. दे आर नीता एंड रानो. दे आर नीता एंड रानो. रानो वॉन्ट्स अ फ्लावर. रानो वॉन्ट्स अ फ्लावर. प्लीज गिव मी अ फ्लावर. प्लीज गिव मी अ फ्लावर. श्योर हेयर इट इज. तो किड्स, आपको पेज नंबर 108 को बार बार रीड करना है और ये सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है, प्लीज का मीनिंग समझना है. और कोई भी जब भी आप कुछ भी बोले या किसी से कुछ आप मांगते हैं तो आपको प्लीज का यूज करना चाहिए. ओके किड्स,
एंड सारे सेंटेंस को आप नोट भी करेंगे अपने नोटबुक में अच्छे से और इसे लर्न करेंगे. ओके किड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन लर्न पेज नंबर 108. ओके किड्स, थैंक.